नमस्कार, मैं हूँ सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं लिमरा न्यूज़। एक बच्ची जो आज से 4 दिन पहले नाली में गिर गई थी, जिसके बाद हर जगह जो उसकी तलाशी की गई, जो नाले में वो गिरी थी, नशरा नाम था उस बच्ची का, 6 से 7 साल उसकी उम्र थी, जिसको ढूंढा गया। नगर निगम की टीम लगी, SDRF, NDRF तमाम टीमें आकर लगी, 200 अधिकारी यहाँ पर आकर के लगे और उस बच्ची को तलाश उस बच्ची की जारी थी। आज 4थे दिन वो बच्ची मिल गई है, वो बच्ची भैंसा कुंड के पास मिली है, जो नाला बह रहा है उस नाले से वो बहती हुई उस जगह पर पहुंच गई, जहां पर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो बच्ची उतने आगे पहुंच जाएगी। इस वक्त हम उस बच्ची के घर के पास मौजूद हैं, जहां पर भीड़ लग चुकी है, लोगों को खबर हो चुकी है कि वो बच्ची मिल गई और लोग अपना पुरसा पेश करने उसके वालिदैन के पास यहां पर आ रहे हैं और यहां पर अपना पुरसा पेश कर रहे हैं। यहां पर जो उनकी माँ थी, जिसकी एक बेटी मिल ज़रूर गई है, लेकिन वो बेटी अब उनको कभी नहीं मिलेगी। जो बेटी जिसको उन्होंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसके बाद 7 साल तक उसको पाला पोसा, इस उम्मीद में पाला पोसा कि वो बेटी बड़ी होकर के कुछ बनेगी और उनकी जो है जो गरीबी में वो जी रहे हैं, उसकी नशरा की माँ जा कर के झाड़ू पोछा करती है और जो नशरा के पिताजी हैं वो रिक्शा चलाते हैं और कप का जो है बिजनेस करते हैं, कप डिलीवर करते हैं। उस गरीबी से वो बच्ची उन्हें उभार सकती थी, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही। वो बच्ची की एक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और वो पानी में जो है पिछले 4 दिनों से थी, जिसके बाद आज उसकी तलाशी की गई है। अब वो बच्ची इनके पास कभी वापस लौट करके नहीं आएगी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि कैसे जो है उस बच्ची का पता चला और यहाँ पर अभी क्या कैफियत है। नशरा की फूफी मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं, कैसे आप लोगों को पता चला कि बच्ची वहाँ पर? वो मेरा भाई फोन, हमने अपने भाई को फोन करा था तो मेरा भाई कहने लगा भी 1 मिनट रुको, हम बात कर रहे हैं। भाई का रिश्ता नशरा मिल गई है, तो वही जो नहीं है वो कहने लगा कि 1 मिनट लेने जा रहे हैं। कहाँ पे मिली? भैंसा कुंड में। अभी कहाँ पर है? अभी यहाँ पर बॉडी आई नहीं, कहाँ? नहीं, अभी वहीं है। किस जगह पे है अभी ये भाई हम नहीं बता पाएंगे। अभी यहाँ पर ये खबर आप लोगों को नहीं मिली है कि बॉडी किस जगह? नहीं नहीं। भाई आपके यानी कि नशा के जो पिताजी, उन्होंने फोन करके बताया? हमसे बताया था। अच्छा, कि बॉडी मिल गई, कपड़े से पहचानी। कपड़े से मेडिकल कॉलेज में गई है, उनकी खाला बताएंगे। मेडिकल कॉलेज में उसको लेकर जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए लेकर के? भाई हमें ये सब नहीं पता है अभी। अच्छा, अभी क्या हालत है उनकी, जो नशा की माँ है उनकी? उनका दिमाग इतनी टाइम काम नहीं कर रहा है। हाँ। वो सदमे में एकदम से हो गई, सदमे में चली गई जी। पिछले 4 दिन जो आप लोगों के यहाँ पे घर पे जो गुजरा है, कैसा था खाना पीना आप लोगों का? कैसे? नहीं नहीं, हम लोग ने कुछ नहीं खाया पिया और वैसे ही दुआ कर रहे थे कि बस मिल जाए मेरी भतीजी। मेडिकल कॉलेज में उस बच्ची की नशरा की बॉडी को लेकर के जाया गया है, जहाँ पर पोस्टमार्टम होगा, सारी जो भी लीगल प्रोसेस है वो वहाँ पर होंगे, उसके बाद बॉडी घर पर आएगी और उसके बाद सुपुर्द खाक बॉडी को किया जाएगा। आज मिली है, 5 दिन हो गया इसको डूबे हुए। आज मिली है। कैसे डूब गई थी? पानी भरा, बरसा था, भरा था, उसी से डूब गई, चप्पल उठाते गई नाले में गिर गई। कितना पानी यहाँ पर भर गया था? अरे इतना कमर के इतना था। कमर के इतना? 6 साल की बच्ची थी, छोटी थी उसमें और ज्यादा? 6 साल की बच्ची थी, 7 साल की है। 7 साल की थी। कैसे मिली, कहाँ पे? वो वहाँ मिली है, वहाँ भैंसा कुंड के पास। अच्छा, भैंसा कुंड के पास मिली है, निकाल रहे हैं सब। निकाल रहे हैं। और यहाँ पर जो आप अंदर गई होंगी, उस बच्ची की पिछले 5 दिनों से माँ की हालत कैसे थी? बैठी है वहाँ पर, वही तो बता रहे हैं आप, उनकी वीडियो लिए, माँ बैठी है, दादी बैठी है, फुफ्फू बैठी है, वहाँ सब बैठे तो हैं, वही तो आपसे हम बता रहे हैं, माँ बाप सब बैठे, उनकी वीडियो लिए, उनसे पूछिए कि उनके दिल का क्या हाल है। और ये फालतू वीडियो लेने से कोई फायदा नहीं है, आप उन लोगों की वीडियो लिए जिनके माँ बाप हैं, जिनके दादी हैं, उन लोगों के लिए। उनसे हम क्या बात करेंगे, आप ये बताइए। हाँ, ये भी बात सही, उनसे हम इस टाइम पे उनकी हालत होगी हमसे बात करने की? ये बात तो सही कह रहे हैं आप। हाँ, यहाँ पे जैसे आप लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो हमें बता देंगे पूरा। पानी इतना रहता है जब बरसता है, और उसी में वो लड़की चप्पल उठाई और पीछे घूमी चली गई, जब तक वो कबाब वाला होटल वाला दौड़ा बचाने के लिए, जब तक बह गई। पहले भी यहाँ पे बच्चे इस तरह से डूब चुके हैं? हाँ, कई बार हो चुका है नाले में, यहाँ पे 3-4 बार हादसे हो चुके हैं। कब कब हुआ है ये हादसे? ये हादसे हो गए 6 साल पहले, 4 बच्चे डूबे हैं। अच्छा, उससे पहले 40 साल पहले भी हुआ है, एक लड़का डूब के नाले में चला गया था, आगे पाया था। अभी किसी को यहाँ मालूम नहीं होगा, जो हम लोग बता रहे, पहले इतनी मीडिया वाली नहीं थे और ना कोई आया, और अब मीडिया वाले। अभी भी 6 लड़के कूद बहते जा रहे थे, एक लड़की बची, 5 खत्म।
ये आपकी इतने मीडिया वाले आ रहे हैं, आपकी इतना सोर्स लग रहा है। ये छह बच्चे पहले डूबे थे? हाँ, छह डूबे थे तो दो बच गए थे, चार बह गए। ये कितने साल पुरानी बात है? छह साल पुरानी बात है, जिसमें छह बच्चे डूब गए थे, दो बच गए और चार मर गए। चार मर गए थे। अच्छा, नाले के ऊपर से। अच्छा, और यही पानी जब भी गिरा था खूब बह के चले गए बच्चे। और एक 40 साल बच्चा पहले मरा था, बह गया था, तो वो बंधे पे वहाँ पाई नाले पर जो वहाँ जाली बाद मरा हुआ मिला। अच्छा, बच्चे का एक केस हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब बरसात होती है तो इसी तरह से पानी भर जाता है? हाँ, इसी तरीके हर साल यही हालत होती है। हर साल बारिश होती है, ऐसे ही पानी भरता, थोड़ा सा ही पानी गिरता है, ऐसे ही बारिश होती है। यहाँ पर इससे पहले आप लोगों ने किसी से बात करने की, जो पानी यहाँ पे भर जाता है, जो भी नगर निगम के लोग होते हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी? नहीं, कोशिश करी है। हाँ? नहीं हुई बात। नहीं हुई बात? नहीं हुई बात। आप लोगों ने करने की कोशिश की कि बस जैसे सिस्टम पे चलता है, पानी भरता है फिर पानी सूख जाता है? हाँ, ऐसे चलता है, बात कोई नहीं करता यहाँ पर। अच्छा, कोई एप्लीकेशन नगर पालिका तक कोई अवगत नहीं करवाया? कोई नहीं कराएगा अभी तक। हमारे वहाँ जो लम्बू भाई सभासद है, उनने बनवाया था नाला ये। अच्छा, उनने बाद में भी जब हादसा हुआ था, फिर उनने सिले विलोर पीछे डलवाई थी जाके, लम्बू भाई ने हमारे वहाँ। अच्छा, उसके बाद भी ये कम, अब ये हादसा हुआ है। अभी चार साल पहले भी जहर का लड़का गिरा था नाले पे, वो भी भैंसा कुंड में मिला था। अच्छा, तीन बच्चे और गिरे थे, दो बच्चे पकड़ लिए, बच्चे नहीं मिला था। जहीर कौन? पीछे रहे थे रेवन कॉलोनी में, उनका बेटा गिरा था। कितने साल का था वो? वो मेहल के थे, चार पाँच साल का भी था, पाँच छः साल का। पाँच साल का लड़का? हाँ, वो भी गिरा था। आज से कितने साल पहले? वो मैं करीब चार पाँच साल हो गए उसको गिरे हुए। पाँच साल? हाँ जी। मतलब पाँच साल में, पिछले पाँच और छः साल में दूसरा केस है? जी जी। इससे पहले दादी बता रही थी कि 40 साल पहले भी इस तरह का केस हुआ था। एक केस हुआ था, केवल तीन बच्चे गिरे थे, पुलिया टूटी थी पीछे वाल के, पीछे वाल के पुलिया टूट गई थी, उसमें बच्चे तीन गिरे थे, दो पकड़ में आए थे, एक एक डूब गया था। में नाल जाल लगना चाहिए, जो इतनी बड़ी बड़ी जाल है आदमी बुरा बह जाएगा। जाल तो लगना चाहिए। जब से बच्ची गिरी नशरा, जब से गिरी पांच दिन आज हो गया है, इसके बाद कोई यहाँ पर व्यवस्था की गई? क्योंकि अभी बारिश फिर होगी और भी बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाके मुआयना कर लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। यहाँ पे जाल लगे हुए हैं, जाल कहाँ लगे, अभी जाल लगना चाहिए, जाल यहाँ पे लगा ही नहीं है और यही हो रहा है। जाल तो लगना चाहिए, अब आदमी कह रहा है जाल लगाया जाए, बच्चे और गिर सकते हैं, हादसा हो सकता है। नगर पालिका की टीम आई थी, नाली साफ की उसने? हाँ, नाली तो सफा करी, नगर पालिका टीम आई थी वहाँ भी सफा करी, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला वहाँ, और नाला बहुत सफा हुआ है आगे रेवन का, वो हाँसा स्मारक के पास नाला भी साफ हुआ है वहाँ पर, तिरों को मट्टी निकाल कूड़ा निकाला गया है। क्या चाहते हैं यहाँ के जो लोग हैं और उनकी जो है नाली बंद करने के अलावा और क्या क्या जरूरत? भाई यहाँ पे पानी ना भरे, ये हम लोग चाहते हैं सेफ्टी रहे बच्चों की। जिस जगह हम खड़े ये ऊंचाई पे है, जहाँ पर रोड है, जहाँ पर बच्ची डूबी थी वो नीचे पे है, पानी तो भरेगा? पानी तो यहाँ भर जाता है, वहाँ पर पानी बहुत भर जाता है। बाकी आप लोगों ने शिकायत करी यहाँ से कभी? पिछले बता रहे हैं पाँच साल पहले, छह साल पहले भी बच्चा डूबा था। नहीं, शिकायत नहीं हुई है किसी ने? नहीं, नहीं किसी ने नहीं करी शिकायत यहाँ। यहाँ के पार्षद जो हैं? पार्षद यहाँ के लम्बू सभासद है हमारे वहाँ। अच्छा, वो उनके पास जाते हैं, वो थोड़ा काम करा देते हैं। अच्छा, उनने भी काम कराया, स्लेब डलवाई है यहाँ पर। अच्छा, उन्हीं वजह से इतने पुलिया बनी थी, जो टूटी थी उन्हीं ने बनवाई थी पूरी पुलिया, सही करवाई थी। और ये तो नगर निगम का काम है ना, जाली लगवाना नाली में, नगर निगम की गलती है ना, नगर निगम को लगाना की जाली, और नगर निगम जाली नहीं लगा रही है। अभी जब ऑपरेशन के लिए और जब वो लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे बच्ची को, उस टाइम पे भी नगर निगम के ऑफिसर यहाँ पर अधिकारी लोग आए हुए थे, उसके बाद उनसे कोई बात नहीं हुई? आप लोगों ने अपनी कोई शिकायत नहीं की? बहुत लोगों ने कहा है उनसे ये बात, उनको बताया है। उनकी तरफ से क्या जवाब आया? उन्होंने कहा अभी हम देखेंगे, जल्दी जल्द काम कराएंगे, जाली लगवाएंगे, ये बोली था। नहीं, अभी कोई बारिश का टाइम है, अभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं सब पड़ा हुआ। बखाली खम्भों पन्निया बांध गए काली। अच्छा, जो किरण ना है। बच्चे अपने माँ बाप की हसरत होती है, अपने माँ बाप की उम्मीद होती है, बेटा हो या बेटी, जो माँ बाप होते हैं उनके लिए दोनों का प्यार बराबर होता है। एक बच्ची नशरा, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो इसी जगह पर इसी नाली से गिर गई थी, इसी नाली में गिर गई थी। बच्चे बताते हैं जो उसके साथ खेल रहे थे कि यहाँ से कार गुजरी और पानी का फ्लो इतना तेज़ हुआ कि वो इस पानी में गिर गई और उसके बाद उठ ना पाई, और इतनी तेज़ उस टाइम पे पानी का बहाव था, क्योंकि बरसात हुई थी और बरसात में पानी का बहाव ज़्यादा होता है, ये जगह नीची है और यहाँ से पानी बहुत तेज़ी से नाले में जाता है। उस बहाव के साथ वो बच्ची बह गई, जिसके बाद एक लखनऊ की जो है नगर निगम की टीम पूरी यहाँ पर लगी और
पूरी टीम ने आज पांचवें दिन के बाद वो बच्चे की लाश मिली है। वो बच्चे की लाश एक तितर बितर हालत में मिली है और उसको छूने पर वो बच्चे की जो बॉडी के जो गोश हैं, जो उसकी जो स्किन है, वो हट जा रही है। इस कंडीशन में वो लाश इस वक्त मिली हुई है और वो भी यहाँ पर घर पर नहीं आई हुई है। और हम यहाँ पर आपको यही दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है, जो यही वो नाली है जिस नाली में बच्ची गिरी थी। नाला नहीं, नाली में गिरते हुए वो नाले में गए। और यहाँ पर एक लापरवाही ये भी थी कि जाली लगी हुई थी, जिस जाली में जाकर के उसको रुक जाना था, लेकिन वो जाली ना होने की वजह से वो बच्ची सीधे नाले में गई और नाले से बहते हुए वो गोमती नदी में जाकर के आज पाँचवें दिन उसकी बॉडी मिली है। आप देख रहे थे लिमरा न्यूज़ कैमरामैन ताहा के साथ, मैं सैयद मोहम्मद हसन।